सेंटर लॉक है क्योंकि सेंटर लॉक सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल SKD Bike World। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, वैसे तो होंडा SP125 की काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें टूरिंग सेगमेंट से लेके और एक हैवी मॉडिफिकेशन तक, जैसे कहते हैं ना एकदम हद कर देना, तो वो भी है। लेकिन इस बार वीडियो बनाने के लिए मजबूर मैं इसलिए हो गया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग थी, तो मैंने आप लोगों को शेयर कर देता हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेक करो, मेरे हाथ में सेंटर लॉक है क्योंकि सेंटर लॉकिंग सिस्टम इसमें लग चुका है, जिसको लगाने से किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी बैटरी पर। सेफ्टी फीचर है, दो चाबियाँ मिलती हैं, एक कुछ इस तरीके की होती है, एक कुछ इस तरीके की। काम रहता है इसका, जैसे आपने इसको लॉक कर दिया है, इसके बाद अगर कोई इसको जैसे टच करेगा या कोई साइड साइड करेगा ना, तो ये एक साइरन क्रिएट कर देती है इस तरीके से, एक अलर्ट करेगी। इसको आप बंद भी कर सकते हो, पार्किंग में कहीं आपने लगा रखी है, आप भूल चुके हो या पार्किंग वालों ने जगह चेंज कर दी, ये बटन दबा सकते हो, या फिर ये पावर वाला बटन इसको स्टार्ट के लिए रहता है, इसको आपने दो बार दबाना है, दैट्स इट, और गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। लेकिन अब हम इसको कर देते हैं बंद और इसको एक मैनुअली ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप चेक करें यहाँ पर DRL जो कि ब्लू एंड रेड कलर के लिए, जो कि हेडलाइट के अंदर लगा रखे हैं। ये थीम आप चेंज भी कर सकते हो, वाइट भी ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, ब्लैक तो आता ही नहीं है आप लोगों को पता है, तो ये रेड एंड ब्लू का है जो काफ़ी ऑसम लग रहा है, रात में काफ़ी ज़्यादा किलर लगेगा। ये देखो, ये देख सकते हो दोस्तों आप, तो एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। और इसका ना हेडलाइट हमने ऑफ कर दिया है, स्विच लगाया, क्योंकि हेडलाइट अगर ऑन करते ना तो इसकी जो DRL की जो विजिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर स्विच अलग से लगा दिया है, ठीक है, हेडलाइट का। अब आप देख लो इसे, इसके अलावा जो इसके इंडिकेटर थे इसके अंदर LED बल्ब लगा रखे हैं, हैजार्ड लगा रखा है, और हैजार्ड के पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आप ये वाला स्विच का यूज़ कर सकते हो, दाएं बाएं बीच में दबाना है आपको जल्दी जल्दी, कुछ इस तरीके से देखो आप सामने से देखो, तो ये पैटर्न इस तरीके से चेंज हो चुके हैं। पैटर्न मिलते हैं इसमें करीब 25-30, तो आप लोग देख लेना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, और चारों इंडिकेटर आपके चलेंगे अलग अलग डिज़ाइन में। अब ये एक ऐसा मोड है, ये अब चेक करो आप, स्टेबल रहेगा, यानी कि आपके इंडिकेटर जो जलते रहेंगे, तो ये भी एक मोड है इसमें, बाकी आप लोग देख लेना आपको कौन सा पसंद है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हैंड गार्ड लगा रखे हैं, इसमें आप लीवर गार्ड भी लगा सकते हो, हैंड गार्ड भी इसमें लगा रखे हैं जो कि इस तरफ से भी देख सकते हो आप, इंडिकेटर का इसमें भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर लगा रखे हैं मिरर जो कि LED वाले हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर का साइन मिलेगा बोथ साइड, यानी कि इस साइड ही मिलेगा और इस साइड ही मिलेगा। ये देखो, और उस साइड से भी देख लो, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। और फ्रंट में लगा रखा है एक वाइजर जो कि इसको हैवी लुक दे रहा है, और इसके अलावा ये जो लुक कंप्लीट हो रहा है ये हैंड गार्ड और मिरर के साथ ही हो रहा है। अगर ये हैंड गार्ड नहीं लगाते तो ये सिर्फ हेड इसका बहुत ज़्यादा बड़ा लगता, तो इसीलिए कर रखा है ये। बाकी ये आपका फ्रंट हो गया, यहाँ पर लगा रखे हैं फोर्क स्लाइडर जो कि सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते हैं आपके, इसलिए रहता है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बाकी काफ़ी सारी वैरायटी और भी है फोर्क स्लाइडर की, आप देख सकते हो, तो वो आप लोग देख लेना आप लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को करानी ही चाहिए, वो है इसका क्रैश गार्ड, जो कि अभी तक किसी के पास भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसका क्रैश गार्ड अभी तक बना ही नहीं है, इसका खुद बनाना पड़ता है हैंडमेड, और यही होता है प्रोफेशनली वर्क, और जो कोई ना कर पाए वो अपन कर ही देते हैं, आप लोगों को पता ही है। दो स्लाइडर इसमें लगा रखे हैं जिस पर आप कुछ पैर भी रख सकते हो अगर आप थक चुके हो गाड़ी चलाते चलाते। सेफ्टी इसकी इतनी हो चुकी है, अगर आपकी गाड़ी इस साइड गिरती भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फुल्ली सेफ्टी। इसके अलावा यहाँ पर लगा रखे हैं बॉडी इंडिकेटर जो कि आप देख सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से हैं, और इसके अलावा उस साइड से भी लगा रखे हैं अगर आप उस साइड से देखोगे तो। और अब आप यहाँ पर देखो ये फॉग लाइट जो कि 4-in-1 है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप इसको ऑन करते हो सबसे पहले तो ये फ्लैशर है रेड वाला, फिर दोबारा ऑन ऑफ करोगे तो ये फ्लैशर है येलो वाला, फिर आप ऑन ऑफ करोगे तो ये वाइट वाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें और भी काफ़ी सारे मोड्स हैं, ये स्टेबल हो जाएगा। 4-in-1 तो मैंने शायद कम ही कह दिया, 8-in-1 हो गया ये। ये देखो, अब इसमें दोनों कलर मिल रहे हैं जो कि यहाँ पता नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना इस जगह पर, यहाँ देखो, इसमें येलो एंड वाइट शेड दोनों एक साथ आ रहा है, जिसमें क्या रहेगा जैसे कोरा वगैरह होता है तो आप इसमें येलो एक्टिवेट कर सकते हो। ये अटेंशन लेने के लिए होता है, जैसे DRL कह सकते हो, जैसे आपने चाबी ऑन की तो ये भी रेड और आपका ये भी रेड, तो काफ़ी ये भी अलग सी चीज़ हो जाती है और अटेंशन लेने वाली है, अभी तक आपने किसी में भी नहीं देखी होगी SP में इस तरीके की चीज़ लगी हुई। इसके अलावा हॉर्न लगा रखे हैं इसमें जो विदाउट चलान के हैं, ठीक है जी, तो ये रूट्स के नहीं है। मोबाइल होल्डर ये देख सकते हो आप, बैक साइड में आते हैं, बैक साइड में आप देखो सबसे पहले यहाँ पर
इंडिकेटर तो वही है आप लोगों के जैन में, उसके अंदर एलईडी बल्ब लगा दिया फोकस बढ़ाने के लिए। एक यहाँ पर टायर हैगर लगा रखा है जो मिट्टी वगैरह इस जगह पर आ जाती है जो कि आप देख ही रहे हो, तो बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है, तो उसके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ में एक टायर हैगर लगा रखा है।